असल जय स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आज हम डिस्कस करेंगे पहले हम डिफाइन करेंगे पावर को एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट क्वलीजन पावर आप सबको पता है पावर ऑफ ए बॉडी यानी कि जो बॉडी काम कर रही है जो एजेंट काम कर रहा है उसका पावर हम कैसे डिफाइन करते हैं इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो अगर हम एवरेज पावर की बात करेंगे कोई बॉडी डब्ल्यू वर्क कर रहा है इन टाइम टी तो जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी इट इज डिफाइंड एज पावर पी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई टी रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज पावर तो अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे इंस्टेंटिज पावर अगर हमें डिफाइन करना होगा तो दैन इट इज़ डिफाइंड एज डी डब्ल्यू बाई डी टी रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ पर वर्क का हमारे पास फंक्शन होगा ये होगा पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और यहाँ पर हमारे पास वर्क का फंक्शन भी हो सकता है या वर्क का वैल्यू भी हो सकता है जैसे मैं कहूँगा एक बॉडी है वो दस जोल काम कर रही है मान लो दो सेकेंड में दस जोल काम कर रही है दो सेकेंड में उसका पावर क्या होगा तो आप करोगे सिंपली टेन डिवाइड बाई टू या अगर मैं फंक्शन बताऊँगा तो आप उसकी डिफ्रेंसेशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम यू विल फाइंड एवरेज पावर एज वेल एज इंस्टेंटेनियस पावर पावर इज अ स्केलर क्वान्टिटी एंड जिस एसा यूनिट इज वॉट क्या कहते हैं जूल पर सेकेंड और आप इसका डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज एम वन एल टू टी माइनस टू डिवाइड बाई टाइम इज टी तो आएगा एम वन एल टू टी माइनस थ्री इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर पावर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पीजी इक्वल टू डब्ल्यू की जगह अगर मैं लिखूँगा एफ डॉट एस एफ डॉट एस अपॉन टी एफ डॉट एस अपॉन टी वर्क इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट लेकिन आपको ये भी पता है कि डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि जितना टाइम उसको लग रहा है डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलासिटी तो एफ डॉट वी तो पावर कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलासिटी तो पावर इज डिफाइंड इन टू वेज रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड विलासिटी जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो मैंने वहाँ पर यह एक्जाम्पल नोट करवाई थी वर्क डन की एग्जाम्पल बी बी और पावर की भी पावर इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी तो इट कैन बी ज़ीरो इफ़ फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू इचर अदर जिसका हमने वर्डर्न में डिस्कस किया था जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी मीन्स कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो काम कितना करेगा जीरो तो उसका पावर भी कितना होगा जीरो तो इसी तरह से पावर कैन बी पॉजिटिव पावर कैन बी नेगेटिव

लेकिन उस उसकुलीजन में क्या होता है वहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट है दो बॉडीज़ के बीच जो टकरा रही है उनके बीच फिजिकल कांटेक्ट है इस तरह से अगर मैं अगर हम बात करेंगे सपोज़ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स आपने सुना होगा रदर फोर्ड्स अल्फा पा जहाँ से ये रदर फोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम निकला तो स्कैटरिंग में हम क्या करते हैं जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उनको हम इंसिडेंट करते हैं ऑन गोल्ड फॉइल एटम्स ऑफ गोल्ड फॉइल तो वहाँ पे भी एक तरह का एक क्वलीजन हो रहा है लेकिन उस कुलिजन में और पहले वाले कुलिजन में जो बिलियर्ड बॉल्स के बीच तो हो रहा था उसमें और इसमें फ़र्क है फ़र्क ये है कि जो आ, बॉल्स के बीच कुलिजन है वहाँ पर एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है और जो आ, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे जो कोलिजन होता है वहाँ पे कांटेक्ट नहीं होता है तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है तो फॉर कोलिजन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट टू बॉडीज शुड शुड फिज़िकली बी इन टच विद इच अदर तो कुलिजन बेसिकली है क्या ये एक ऐसा आइसोलेटेड इवेंट है आइसोलेटेड मतलब इस सिस्टम पे जिस सिस्टम में दो बॉडीज कोलाइड कर रही है एक दूसरे के साथ उस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इट इज आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडीज टू और मोर कोलाइडिंग बॉडीज एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच अदर और यह जनरली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है एग्जट फोर्स ऑन ईच अदर फॉर ए शॉर्ट ज्यूरेशन जिसको हम कहते हैं इंपल्सिव फोर्सेस फॉर अ शॉर्ट ज्यूरेशन विद और विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद और विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट कुलीजन एक ऐसा आइसोलेटेड इवेंट है जिसमें दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हैं, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि इंपल्सिव फोर्स हैं, जो एक्ट करते हैं बहुत कम टाइम के लिए और जनरली थोड़ा ज़्यादा होते होता है इनका मैगनीच्यूड और ये विद और विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है विद फिजिकल कॉन्टैक्ट जो मैंने बताया कोलीजन बिटवीन टू बिलियड बॉल्स या बिटवीन अ बॉल एंड अ बैट इसी तरह से कुलिजन बिटवीन uh, अल्फ़ा पार्टिकल्स एंड आइटम्स ऑफ गोल्ड फॉइल जो अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में होता है वहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है वहाँ पे वो न्यूक्लियस के फील्ड से बाहर ही बाहर ही वो अपनी पाथ डिवीट करते हैं तो फोर्स तो एग्जर्ट होता है लेकिन देयर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट तो कोलीजन फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है और विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट बट इन दिस कोलीजन इन कोलीजन द टू बॉडीज आर कोलाइडिंग विद वन एंड अदर एक्जर्ट ऑन ईच अदर तो दिस इज हाउ वी डिफाइन कोलिजन कोलिजन थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ों का ख्याल रखना है दो लॉज यहाँ पे चलते हैं विच आर फंडामेंटल लॉज वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो कि हमने पढ़ा है इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट तब तो जब भी हम कुलीजन को डिस्कस कर रहे हैं करते हैं ये लॉज अप्लाई होते हैं तो जो टाइप्स ऑफ कुलीजन्स हैं नॉर्मली देअर आर टू टाइप्स ऑफ कुलीजन्स वन इज इलास्टिक कुलिजन इलास्टिक कुलिजन्स ऐसे कुलिजन्स जिनमें एब्सोल्यूटली एग्जैक्टली कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऐसे कुलिजन जिनमें काइनेटिक एनर्जी का, का लॉस नहीं होगा दोज कुलिजन्स आर कॉल्ड लेस इलास्टिक कुलिजन्स अगर 100 परसेंट काइनेटिक एनर्जी का, का लॉस नहीं होगा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी तो कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक कुलिजन अगर थोड़ा सा होगा तो इलास्टिक कहेंगे अब अगर 100 परसेंट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा तो इन इलास्टिक कोलिजन तो कहेंगे परफेक्ट इन इलास्टिक लेकिन अगर थोड़ा सा लॉस होगा तो इन इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी तो इलास्टिक कोलिजन कोलिजन वो collisions होते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है इन इलास्टिक कुलिजन वो कोलिजन होते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है जैसे inla, जैसे इलास्टिक कोलिजन की हम बात करेंगे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो परफेक्टली इलास्टिक तो पॉसिबल नहीं है लेकिन जो कोलिजन होते हैं बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्लीजन बिटवीन सब एटोमिक पार्टिकल्स जो होते हैं दोज आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट परफेक्टली इलास्टिक एंड इन इलास्टिक सपोज एक एग्जाम्पल आपके पास सपोज अगर हम मड को थ्रो करते हैं ऑन द वॉल तो देयर इज ह्यूज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो दैट इज इलास्टिक क्लीजन इन इलास्टिक क्लीजन इसी तरह से अगर आप देखोगे सपोज एक वुडन टारगेट है हमारे पास एट रेस्ट उसकी तरफ अगर हम बुलेट फेंकते हैं या एरो फेंकते हैं तो एरो गेट्स पेयरसड इन टू द टारगेट एंड दैट इज ऑल्सो इन इन इलास्टिक कुलीजन। तो प्रैक्टिकली कोई भी कुलीजन ना हंड्रेड ये परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है ना परफेक्टली इन इलास्टिक हो सकता है तो देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव परफेक्ट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी परफेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑन द वेस ऑफ डायमेंशन भी हम कोलिजन उसको क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे कोलिजन इन वन डायमेंशन जैसे दो बॉडीज है कोलाइड हो रही है एक दूसरे के साथ लाइन पे चल रही है तो इज वन डायमेंशनल कोलिजन आफ्टर स्ट्राइकिंग विद ईच अदर आफ्टर कोलाइडिंग विद ईच अदर वो फिर भी वन डायमेंशन में चलेंगे कि लाइन पे चलेंगे दैट इज़ वन डायमेंशनल कोलिजन इसी तरह से टू डायमेंशनल क्लीजन ठीक है लेकिन जो लीनियर मोमेंटम है और जो टोटल एनर्जी है वो हर जगह सेम रहेगी बिकॉज सिस्टम इज़ आइसोलेटेड तो चाहे कुलीजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट बट इफ काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट इट इज इन इलास्टिक इफ काइनेटिक एनर्जी रिमेज कांस्टेंट, इफ इट इट इज इट इज इलास्टिक हम डिस्कस करेंगे पहले इलास्टिक कोलिजन को सिंपल वाला केस उठाएंगे दैट इज वन डी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन इलास्टिक कुलिजन इन वन डी इलास्टिक कुलिजन इन वन डी इससे पहले हम एक चीज डिफाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड एज कोफेंट ऑफ कोफंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोफशंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं उनकी इनिशियल वेलोसिटीज हैं ना कि कोलिजन से पहले इनकी वेलोसिटीज है विलोस एंड यू टू ये कोलाइड हो रही है और आफ्टर कोलिजन दे आर ट्रेवलिंग विदीज वी वन एंड वी टू तो हमारे पास दो बॉडीज हैं उनकी इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन दिस इज बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन कोलिजन से पहले इनकी वेलोसिटी है यू वन यू टू रेस्पेक्टिवलीजन के बाद इनकी वेलोसिटी है वी वन वी टू रेस्पेक्टिवली तो अगर हम देखेंगे किस वेलोसिटी से ये एक दूसरे के नजदीक आ रही है तभी कोलाइड होंगे कोलाइड करेंगे जब ये पीछे वाली बॉडी इसके नजदीक आएगी यानी कि जब u1 u2 से बड़ा होगा ठीक है तभी ये कोलाइड करेंगे तो जिस वेलोसिटी से ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे बिफोर कोलिजन दैट इज कॉल्ड एज ए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और अप्रोच हमेशा बिफोर कोलिजन होता है और किस रिलेटिव वेलोसिटी से ये एक दूसरे से दूर जाएंगे आफ्टर कोलिजन एक दूसरे से दूर जाएंगे आफ्टर कोलिजन दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा दैट विल बी यू वन माइनस यू टू ठीक है एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम हमारे पास है वी टू माइनस वी वन वी टू माइनस वी वन एज्यूमिंग दैट यू वन इज़ ग्रेटर दैन यू टू और यह हम आगे फाइंड करेंगे इफ़ यू वन इज़ ग्रेटर दैन यू टू दैन रिलेटिव वेलासिटी ऑफ सेपरेशन इज़ वी टू माइनस वी वन ये हम आगे, आगे प्रूव करेंगे तो रिलेटिव विलासिटी ऑफ अप्रोच इज़ यू वन माइनस यू टू रिलेटिव विलासिटी ऑफ सेपरेशन इज़ वी टू माइनस वी वन अगर हम रेशो निकालेंगे इफ़ वी फाइंड द रेशो इफ वई डिवाइड रिलेटिव वेलासिटी ऑफ सेपरेशन अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को डिवाइड करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से ठीक है तो दैट रेशियो इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन इन ए कोलिजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि आफ्टर कोलिजन विद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज बिफोर कोलिजन ये प्योरली एक नंबर होता है प्योरली एक नंबर होता है और ये हमें बताता है अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ कोलिजन अगर ये वन होगा अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा ये आएगा यानी कि दोनों वेलोसिटीज वेलोसिटीज रिलेटिव बराबर होंगी तो ई e वन आएगा तो कोलिजन होगा परफेक्टली इलास्टिक अगर ये जीरो आया तो कोलिजन होगा परफेक्टली इन इलास्टिक तो नॉर्मली जो प्रैक्टिकली हमारे पास कुलीजन होते हैं उनके लिए ई e का वैल्यू e का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है बट लेस देन वन ई का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है बट लेस देन वन ठीक है अब हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डी सिंपल एग्जाम्पल लेंगे सपोज बिलियर्ड बॉल्स के एग्जाम्पल लेंगे तो दिस इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डी हमारे पास दो बॉडीज हैं ये है बॉडी ए ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी टू यू वन इसका मास है एम वन ये बिफोर कोलिजन चल रही है बात चल रही है दिस इज बॉडी बी मास एम टू ट्रैवलिंग विद यू टू दिस इज बिफोर कोलिजन उसके बाद क्या होता है ये टकराते हैं एक दूसरे के साथ ये ए है ये बी है उसके बाद कोलिजन के बाद ये चल रहा है विद वेलोसिटी वी वन और बी बॉडी चल रही है विद वेलोसिटी वी टू बॉडी ए ये बॉडी बी इसका मास एम वन इसका मास एम टू ये है आफ्टर कोलिजन ये है बिफोर this is before collision this is after collision ठीक है इलास्टिक है वन डी है ये एक ही लाइन पे टकराने से पहले और टकराने के बाद भी ये एक ही लाइन पे चल रहे हैं तो दिस इज इलास्टिक कोलिजन तो है ही और साथ में है इन वन डी दैट इज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन तो अगर हम लीनियर मोमेंटम देखेंगे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम बिफोर कुलिजन कितना आएगा एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इसी तरह से लीनियर मोमेंटम आफ्टर कुलिजन कितना आएगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू तो आपको पता होना चाहिए लॉफ कंजर्वेशन ऑफ लिंडियर मोमेंटम लिडियर मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट एज द कुलीजन इज आइसोलेटेड तो हम क्या लिख सकते हैं लीडियन मोमेंटम बिफोर कुलीजन मस्ट बी इक्वल टू लीडियर मोमेंटम आफ्टर कुलीजन एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू बराबर होगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम एम वन इधर लाएंगे ठीक है तो हमें क्या मिलेगा एम वन इंटू यू वन माइनस वी वन इक्वल टू एम टू इंटू v2 टू माइनस वी वन देखिए इधर है m1 u1 ये m1 v1 वाला टर्म इधर लाया ये बनेगा माइनस फिर कॉमन निकाला m1 ठीक तो है तो दिस इज जस्ट मैथमेटिक्स वेरी सिंपल इसको माना इक्वेशन फर्स्ट और एक बात इक्वलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी कॉन्स्टेंट काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट तो पहले जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी वन हाफ ऑफ एम वन यू वन स्क्वेयर प्लस वन हाफ ऑफ एम टू यू टू स्क्वायर इज इक्वल टू बाद वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वन हाफ ऑफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस वन हाफ ऑफ एम टू वी टू स्कोयर अब वन हाफ वन हाफ कैंसल होगा थ्रो आउट ठीक है उसके बाद क्या करेंगे एम वन यू वन स्क्वायेर इसको इधर लाएंगे माइनस एम वन वी वन स्क्र ये जो एम वन वी वन स्क्वायर है इसको इधर लाया माइनस बनेगा इज इक्वल टू इधर ऑलरेडी है एम टू वी टू माइनस ये एम टू यू टू स्क्वायेयर इधर लाया माइनस बनेगा एम टू यू टू स्क्वायर अब फिर से कॉमन करेंगे एम वन इधर आएगा यू वन स्क्वायेर माइनस वी वन स्क्वायेर इसवल टू एम टू कॉमन करेंगे इधर पे हमने कॉमन निकाला एम वन एम वन एम वन बाहर अंदर बचा यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायेयर एम टू बाहर वी टू स्क्वायेयर माइनस यू टू स्क्वायर ठीक है ये इक्वेशन है सेकेंड अगर हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट को बाई सेकेंड या सेकेंड को बाय फर्स्ट करेंगे सिंपल है ये मैथमेटिक्स चल रहा है कुछ खास नहीं है अगर डिवाइड करेंगे सेकेंड को बाई फर्स्ट सेकेंड को बाई फर्स्ट तो एम वन एम वन तो कैंसिल हो ही जाएगा हमें क्या मिलेगा यू वन स्क्वा माइनस वी वन स्क्वा डिवाइडेड बाई इसका एल एच एस यू वन माइनस वी वन इज इसका आर एच एस वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायेयर डिवाइड बाई इसका आर एच एस वी टू माइनस यू टू तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो आएगा यू वन प्लस वी वन इंटू यू वन माइनस वी वन डिवाइडेड बाई यू वन माइनस वी वन किसके बराबर होगा इज इक्वल टू राइट हाइड साइड में देखिए वी टू प्लस यू टू इंटू वी टू माइनस यू टू डिवाइड बाई वी टू माइनस यू टू ठीक है यू वन माइनस वी वन यू वन माइनस वी वन कैंसल वी टू माइनस यू टू वी टू माइनस यू टू कैंसिल तो बचा क्या यू वन प्लस वी वन इज इक्वल टू वी टू प्लस यू टू यू वन प्लस वी वन इज इक्वल टू वी वी टू प्लस यू टू इसको इस साइड हम लिखेंगे ये इक्वेशन याद रखिए अच्छा पहले हम इसको थोड़ा सीधा करेंगे अगर मैं यू टू वापस लाऊंगा तो यू वन माइनस यू टू इज ईक्ल टू वी टू ये वी वन वापस ले जाऊंगा माइनस वी वन ये है यू वन माइनस यू टू इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन यू वन माइनस यू टू मैंने बताया था यू वन माइनस यू टू इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन v2 टू माइनस वी वन इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोली ये दोनों बराबर हैं तो इनका रेशो क्या होगा वन तो इनका रेशो वन होगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो ई e आया वो क्या आया वन तो ये बात प्रूव हो गई अगर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा उसमें क्वेश्चन ऑफ रेस्ट्यूशन क्या होगा वन नाउ ये जो हमारे पास इक्वेशन है अब ये मैथमेटिकल वर्क रह गया ये जो इक्वेशन हमारे पास है मैं स्कीम बताऊंगा आपने करना क्या है ये जो इक्वेशन है यू वन प्लस वी वन इज इक्वल टू वी टू प्लस यू टू अगर मैं आपको इनिशियल वेलोसिटीज़ बता दूँ यानी कि ये गिवन अगर होंगी यू वन और यू टू अगर गिवन होगा तो आप निकाल सकते हो वी वन और वी टू ये आपका काम है अगर यहाँ पे आपको निकालना है वी टू या वी वन अगर आपको निकालना है वी वन निकालोगे तो यू वन इधर जाएगा वी वन यहाँ से निकाला ठीक है और उसका वैल्यू पुट किया और इसका वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ से निकालो वी वन का वैल्यू या वी टू का वैल्यू वी वन का वैल्यू इसमें पुट करो या वी टू का वैल्यू इसमें पुट करो तो आपको मिल जाएगा एक इक्वेशन मिल जाएगी यानी कि अगर आप वी टू का वैल्यू पुट करोगे तो वी वन मिल जाएगा वी वन का वैल्यू इसमें डालोगे तो वी टू मिल जाएगा वी टू का वैल्यू इसमें डालोगे तो वी वन मिल जाएगा एक मिल गया तो फिर उसको दूसरी इक्वेशन में सबमिट करना है या इसी इक्वेशन में बैक सब ऑस्टूशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा दोनों दोनों वेलोसिटीज का वैल्यू तो दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सरसाइज सो तो यू विल फाइंड दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी वन एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी ठीक है इसी तरह से उस पर आप डिफरेंट केसेस भी डिस्कस कर सकते हो चलो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर बट वी विल स्टार्ट विद दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन थैंक यू